आपका नाम क्या है सर? एम एस सोहेल। आप कौन से स्कूल में पढ़ते? डायमंड मिशन स्कूल। आपका नाम क्या है? आप कौन से स्कूल में पढ़ते? डायमंड मिशन स्कूल में पढ़ते। कौन क्लास में है आप? कौन सी क्लास में? फोर्थ में है। बेटे मैं आप लोगों को एक बात अच्छी समझाना चाह रहा हूँ। अगर कोई अनजान आदमी तुम आपको चॉकलेट के बहाने या वो लोग बोलते मैं आपके पापा का दोस्त हूँ, मैं आपका पापा को अच्छा जानता हूँ, मेरे साथ आप गाड़ी पे बैठो, मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ, या वो लोग आपको पैसे भी देते, कुछ भी देते, तो आप क्या करते? आप नहीं बैठते? आप नहीं बैठते? आपका आपके पापा क्या काम करते? सोशल वर्कर। क्या नाम है आपके पापा का? एमएस सरवर खान, सोशल। आपको अपने घर का नंबर याद है ना? ठीक। कभी भी अगर ऐसा रहा तो पब्लिक के बीच में जाना, लोगों में हल्ला कर देना, ये आदमी मेरे को ऐसा स्कूटर पर बिठाने की कोशिश कर रहा, चॉकलेट दे रहा, कोई चॉकलेट के बहाने बुला रहा, तो खतई अननोन पर्सन के साथ क्या करना? नहीं जाना। अगर अननोन पर्सन के साथ अगर तुम गए तो वो लोग तुमको मार भी डाल सकते हैं, वो लोग तुमको आजकल एक भीख मांगने की टोली चल रही, बच्चों को उठा के उनके टांगा हाथा काट के वो लोग भीख मांगने लगाते, तो जब तक तुमको महसूस नहीं होता, और मैं स्कूल के तमाम आले अहदेदारों से जैसो मैं गुजारिश करता हूँ कि वो बच्चों को अननोन पर्सन लोगों के साथ ना कभी भेजे, और हर स्कूल में एक ऐसा काम हो कि वहाँ पे बच्चों को ट्रेन करे कि अननोन पर्सन लोग, चाहे वो तुम्हारे रिश्तेदारी क्यों ना हो, अगर मेरे जानने वाले भी, यानी कि तुम जिसको पहचानते इन पापा के दोस्त है, अगर उन्होंने भी बोले तो गाड़ी में नहीं बैठना। जब तक तुम्हारे घर से तुम्हारी मम्मी या डैडी या तुम्हारा भाई यूसुफ खान, ये लोगों में से तीन जनों में से कोई नहीं आए, किसी के साथ गाड़ी पे बैठ के नहीं जाना। नहीं पापा आए बात ही जाता हूँ, मम्मी आए बात ही जाता हूँ, भाई आए भी जाता हूँ, अगर कोई अचानक बुलाने आए स्कूल से या रास्ते में कोई चॉकलेट दिए तो हरगिज नहीं लेना। क्या करना? हरगिज नहीं लेना। आप अब्दुल रहमान, अगर कोई आपको चॉकलेट का बहुत शौक है, अगर कोई चॉकलेट दिया तो थोड़े पैसे दिया मेरे साथ गाड़ी पे बैठे हो तो बैठ जाते यार, क्या खतरा ही नहीं बैठना। क्या करना बेटे? सीधा जाना, और घर से निकलते वक्त क्या दुआ पढ़ते? हमेशा अल्लाह की पनाह मांगना, और अपने टीचर्स की इज्जत करना, अपने जो स्टाफ रहता है उनकी इज्जत करना, स्कूल की आया की इज्जत करना, अपनी प्रिंसिपल की बात मानना, और मन लगा के पढ़ना, और फजर की नमाज के साथ अल्लाह से दुआ करना कि अल्लाह मेरे लिए कामयाबी अता फरमा। तो आप लोग क्या करेंगे? कोई अननोन पर्सन अगर आपको बोला चलो बोले तो जाते आप लोग? नहीं जाते ना। तो मैं तमाम मेरे जितने भी नाजरीन ये देख रहे हैं, ये दोनों बच्चे मेरे हैं, अगर कोई अननोन पर्सन स्कूलों के पास या चॉकलेट के बहाने कोई से भी बहाने वो अपने बच्चों का खास करके ख्याल रखे, क्योंकि तो माहौल बड़ा ख़राब है, औलाद को हम बड़ी मुसीबत से पालते मर के चंद गद्दार चंद पैसों के लिए लोगों की ज़िंदगी बर्बाद करे। तो मैं ख़ास तौर पर पेरेंट्स से और स्कूल वालों से भी गुजारिश करूँगा कि स्कूलों में ऐसे प्रोग्राम को मनक़द करें। इंशाअल्लाह ताला हम खुद आके उन लोगों की काउंसलिंग करेंगे, बच्चों की और बच्चियों की, और अपने बच्चों को ट्रेन करके रखें कोई अननोन पर्सन सिवाय मम्मी डैडी भाई, ये तीन लोगों के सिवा किसी पे भरोसा नहीं करना, चाहे वो कोई भी रहने दो, मेरा दोस्त रहने दो या मेरा भाई रहने दो या मेरा रिश्तेदार रहने दो, अननोन पर्सन के साथ नहीं जाना। ठीक है ना? क्या दुआ पढ़ के निकलते घर से आप लोगों? आप अब्दुल रहमान, बेशक अल्लाह पे जो इंसान तवक्कुल करता उन्हें हमेशा कामयाब रहता। तो अननोन पर्सन के साथ ले जाना और टाइम पे स्कूल जाना। आपका अब एग्जाम्स करीब आ गए तो अच्छा स्टडी मटेरियल आ गया आप लोगों का, तो अब अच्छा दिल लगा के पढ़ना, और कौम का मिल्लत का तुम्हारे वालिद का भी नाम तुम रोशन करना। बड़े होके तुम चाहे डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, डिपार्टमेंट बन जाओ, मगर कि कभी सोशल एक्टिविटी नहीं छोड़ना। गरीबों के साथ हमदर्दी, यतीमों के साथ हमदर्दी, मोहताजों के साथ हमदर्दी करना। तो ख़ास करके सीधा स्कूल जाना, स्कूल से सीधा घर। ठीक है ना? तो फिर तमाम लोगों को सलाम करो, जो जो भी आप बोलो। आप भी अपने बच्चों का ख्याल रखिए, बल्कि बोलो आप भी अपने बच्चों का ख्याल रखिए, आपके बच्चों का ख्याल रखिए, अननोन पर्सन लोगों के साथ।
पर्सन लोगों के साथ अपने बच्चों को मत भेजिए। थैंक यू सो मच। अस्सलामु अलैकुम।